हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए हाइट एंड डिस्टेंस के सेकंड वीडियो में आप सभी का वेलकम। और इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एक हाइट होगी, हाइट हमने ये ड्रॉ कर ली, और फिर एक डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस भी हमने ये ड्रॉ कर ली। तो आप देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ये हाइट है और ये क्या है, डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में अगर आप हॉरिजेंटल से ऊपर की ओर देखते हैं, हॉरिजेंटल से ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये पहला केस है। सेकंड केस, अगर आप किसी बिल्डिंग पर हैं, कोई बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है, और वहाँ से आपको एक पॉइंट है बेस पर, बेस ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, और आप उस बिल्डिंग से उस ग्राउंड को आप देख रहे हैं, तो हॉरिजेंटल से जो भी आप एंगल बनाएंगे वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको नाम देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये दो एंगल क्लियर हो गए होंगे बच्चों आपको। तो जब कभी भी हम हाइट पर होंगे तब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे नीचे की ओर देखते समय, और जब कभी हम बेस पर होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम ऊपर की ओर बात करेंगे। अब थर्ड पॉइंट जो आपका है, ये तो ये सेकंड पॉइंट था जो मैंने आपको बताया हाइट एंड डिस्टेंस में। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लें। थर्ड पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम, ये हाइट है और हम कोई, इसको हम पोल मान सकते हैं, या हम कोई एक इसको हमने एक पोल मान लिया, और ये कोई हाउस है, ये कोई एक घर है। ठीक है, तो ए बी सी डी, सी डी एक कोई हाउस है और यहाँ पर एक विंडो है। इस विंडो से जब हमने टॉप को देखा, इस पोल के टॉप पॉइंट को देखा, तो बच्चों क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और अगर इसी पॉइंट से हम इस पोल के ग्राउंड को देखेंगे तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की ओर बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की ओर बनता है। ठीक है, ये थर्ड तरीका ये हुआ। फोर्थ, एक कॉमन सेंस की बात है, उसे भी मैं आपको बता दूं। उसमें ये बताया गया है कि मान लेते हैं ये कोई एक पोल है। ठीक है, ये कोई एक पोल है और यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे आप इस पोल के पास आते जाएंगे, आपको गर्दन को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपने हेड को। तो कहने का मतलब है कि ये एंगल हमेशा कम होगा और ये वाला एंगल हमेशा ज़्यादा होगा। ये आपको याद है, जैसे ये अगर 30 डिग्री है तो ये 45। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की ओर जब आप मूव करते हैं, जैसे ये हमने लिया एक लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल, और आप इस ओर मूव कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मान बढ़ता जाता है। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो आप कहेंगे इस पॉइंट पर सर सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन का। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज है। बच्चे इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो कभी यहाँ पर 30 लिख देंगे और यहाँ पर 45 लिख देंगे, तो जो कि मैथमेटिकल और हाइट एंड डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गलत है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसे भी हम डिस्कस करना चाहेंगे, कि अगर कोई आपके पास इस तरह की एक मतलब एक सेकेंड बच्चों, इस तरह का एक अगर
इस तरह का अगर एक हमारे पास पोल है और एक पॉइंट इस साइड में है और एक पॉइंट इस साइड में है, दो अलग अलग, मतलब ये पोल बीच में कहीं है और ये दो पॉइंट जो ग्राउंड पर हैं वो अलग अलग साइड में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पास वाला पॉइंट होगा वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर 60 होगा और जो दूर होगा वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कम होगा, मे बी 60 से कम होगा, वो वहाँ पर हम 30 कह सकते हैं, 35 कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये जानकारी आपको होना कंपलसरी है, और जैसा हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि आपको सारे एंगल्स मतलब साइन थीटा का मतलब हो गया कि साइन 30, इसी तरह से कॉस 30, इसी तरह से टेन 30, सारे मान मतलब 30, 0, 45, 60 और 90, इन सब के एंगल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम ऐसे ही रैंडमली लेते हैं और इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करिए कि हमारे पास एक पोल है, ठीक है, एक पोल है और पोल के ग्राउंड से कुछ दूरी पर 20 मीटर पर एक पॉइंट है ए, और इस पोल की हाइट पूछी जा रही है, जबकि इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में एक पोल दिया है दैट इज सी बी, आपको हर बार लिखना पड़ेगा कि सी बी क्या है, सी बी बी ए पोल, ये एक पोल है और बेस ए बी कितना है, ए बी आपको दे रखा है 20 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है दैट इज 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पोल की हाइट बताइए, गेट द हाइट ऑफ पोल। तो इस सिचुएशन में आप देखिए, हमने हाइट मान ली h, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, जब परपेंडिकुलर बेस की बात होती है तो ट्रायंगल में हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल में हम टेन थीटा लेते हैं, क्यों, क्योंकि टेन थीटा में ही परपेंडिकुलर और बेस आता है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 20 और ये हो जाएगा आपका 60, 20 ये हमने लिखा है, 10 60 की वैल्यू आप जानते हैं रूट थ्री होती है, और रूट थ्री की वैल्यू आप रख दीजिए, नहीं तो यहीं पर मान रख दीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया समझाने के लिए कि ये कैसे होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू वेरी मच।